आज के दिन मुझे पता चला हाँ अनुपमा के 1,000 एपिसोड कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है ना? फज फर्स्ट ऑफ इस इंफॉर्मेशन का मैं क्या करूं भाई, अभी शायद कोविड के आसपास ही चालू हुआ था, अभी 1,000 हो गया वन पीस को ओवरटेक करना। हाँ, रोज आता है क्या उसका? संडे संडे को भी आता है भाई। हाँ तो फिर तो 3 साल में हो जाना चाहिए। तो ठीक है, अचीवमेंट ही है तो भाई। भाई और बता, मैंने मैंने बहुत देखा नहीं है, ठीक ना, जब टीवी पे चल रहा होता है तो मेरे को अभी लेट 1,000वां इस बात सुनो तुम यहाँ पे आ सुनो अबे सुनो मैं देखा 1,000वां एपिसोड बैठ के, कि मतलब 1,000 एपिसोड कुछ स्पेशल करेंगे कि नहीं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते थे, वो अपने 1,000 10,000 पे कुछ करते थे स्पेशल, ठीक है, किसी एक्टर को बुला लिया, क्या है कुछ नहीं है। तो 1,000वें एपिसोड में मुझे ये कॉन्टेक्स्ट पता चला है कि अनुपमा जिससे तलाक लेकर किसी और से शादी की हुई थी, ठीक है, जो उसका ओरिजिनल पति था जिससे तलाक ली हुआ था, तो उसकी जो उसका अफेयर चल रहा था उससे, जो जिसने उससे शादी की हुई थी, ठीक है, वो अब उससे बेवफाई की, ठीक है, वो अब किसी और का बच्चा उसके पेट पे, और एंड में उसको एक मिनट यार, एक मिनट भाई, एक मिनट यार, पहले पहले इंसानों को नंबर दो, प्लीज कम डाउन, पहले पहले इंसानों को, अनुपमा जीरो, अनुपमा ठीक है, मतलब स्टार्टिंग जीरो, उसका उसका सबसे पहला एक ओरिजिनल कपल, ठीक है ना, अनुपमा और उसका ओरिजिनल कपल, ठीक है, नाम याद नहीं। फिर इन दोनों, फिर जो उसका मर्द होता है, उसका किसी और के मर्द, उसका किसी और के साथ लफड़ा चलता है, ठीक है, ठीक है, तो वो दोनों साथ में निकल जाते हैं, अनुपमा तलाक ले लेती है क्योंकि भाई इन दोनों का वो हुआ ना अफेयर, हुआ इन दोनों का अफेयर हुआ, अनुपमा भाई मॉडर्न जमाने की औरत अलग, ठीक है। अब ये दोनों सोचे कि ठीक है अपन अब हैप्पी फैमिली बिताएंगे, तो अनुपमा के बीच उसी इन दोनों की शादी हो ही रही होती है कि अनुपमा ने बड़ी नोट के साथ शादी कर ली, बड़ी बड़ी महंगी वाली पार्टी, और भाई अब इसको जलन होने लगी उसके ओरिजिनल पति को, तो वो थोड़ा सा इधर आने लगा और उसकी जो जिससे अफेयर था वो इसको खींचने लगी। अभी मैंने बहुत फॉलो नहीं किया तो हुआ क्या, ये मैंने बहुत फॉलो नहीं किया, ठीक है, सुन ना ये बंदा फिजिक्स समझा रहा है, सुन ना सुन ना सुन ना। से ये जिसके साथ अफेयर हुआ था, अनुपमा का ओरिजिनल पति और उसके अफेयर वाली बीवी, वो जब अनुपमा के पास थोड़ा सा जाने लगा, जो कि भाई वो तो मूव ऑन कर चुकी थी, तो इसका पैर फिसल गया किसी और आदमी के साथ, ठीक है, और अब इनका है इनके पेट में बच्चा, ठीक है, और वो बेबी शावर में अनुपमा को बताती है कहाँ गई अनुपमा, ठीक है, ये दिस इज माय रिएक्शन, दिस इज माय रिएक्शन, किसी को नहीं पता। अब वो अनुपमा को बताती है और भी मर्द औरत वाली बातें हो रही है, ठीक है, कि भाई मर्द को ऐसे तुमने धोखा दिया, देखो तुम्हें ऐसे जो भी चल रहा है। तब उसके पेट में बच्चा, सोचे कि अनुपमा स्ट्रॉन्ग लेडी है, मैं उसको समझाती हूँ, मेरा मामला निकलवा देगी। तो यही पूरे कॉन्वर्सेशन रोते धोते में एपिसोड बीत जाता। मैं सोचा 1,000वां एपिसोड तो कुछ स्पेशल किए होते यार, ये स्पेशल है ब्रो। अरे बच्चा एक्सचेंज हो गया ना एक पेट से दूसरे पेट, द लेडी इज प्रेग्नेंट विद भेंचो 20 का नोट, और क्या चाहिए तुमको किसी और के, हाँ वो भी किसी और का। और वैसे बता रहा हूँ ज्यादा नहीं, क्या होगा, तो वो जो ये जिससे अनुपमा शादी की हुई थी, बड़ी फैमिली पैसे वाली, तो उसकी बहन का ऐसा कुछ चल रहा होता है रिलेशनशिप है, ठीक है, वो उसकी फैमिली में वो किसी और से बच्चा कर लेता है, और 15-20 साल का वो बच्चा, वो आता है ग्लिम्स में, हाँ, और मैं कहता हूँ यार कितना सेक्स मिल रहा है सबको इसमें, ठीक है। पीछे मैंने तुमको क्या बताया था, एवरेज एवरेज फॉर इंडिया इस ओ भाई यार, मैं कंफ्यूज हूँ, मैं बता पूरे अनुपमा का लोर, पूरे अनुपमा सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग चीज ये है, तुम बड़े घर के इंसान को बताने के लिए 50 के नोट का इस्तेमाल कर रहे हो। तो मेरे पास पड़ा हुआ था, ठीक है, मैं ही बता रहा हूँ, अच्छा कंपेरिजन था। तो मैं वो कंफ्यूज था कि भाई यार कितना सेक्स मिल रहा है, लोग धोखा दे रहे हैं एक दूसरे की बीवियों को, और फिर आ भी रहे धोखा देके। पीजेस कंसर्न इज कि सेक्स कितना मिल रहा है यार इन लोग को, हमको तो हम पे तो है ही, हमको तो मिल ही नहीं रहा, हम पे तो है ही नो। वो इसकी बीवी को धोखा दे रहा है, वो पत्नी उसको धोखा दे रही है, सब धोखा ही दे रहे हैं।
पूरा नुपमा का लोड सेक्स पे अटका हुआ है भाई जबरदस्त से ज्यादा। इंसेप्शन का प्लॉट लग रहा है तुम। इंसेप्शन नहीं इंसेक्शन। इंसेक्शन इंसेक्शन तौबा तौबा दिस इज इंसेक्शन ब्रो। पीजे को ज्यादा आश्चर्य लग रहा है क्योंकि वो धोखा देते हुए देख रहा है। धोखा नहीं वो कुछ और देते हुए देख रहा है बादल भाई। वही तो बाकी सब चल रहा है जो मेन मुद्दे की बात है वो तो देख ही नहीं रहे। पर पीजे गया था 1000वें एपिसोड में किसी गेस्ट सेलिब्रिटी को देखने। अरे तुम तो उसके बेटे थे ना, तुम दोनों सेक्स क्यों कर रहे हो? पीजे गया था गेस्ट का कैमियो देखने या कुछ और कैम हो रहा है भाई यार। वो धोखा दे रहे हैं। मैं क्या यार अब कहता मेरे को 1500 एपिसोड तक ऐसे फुल सर्कल ना आ जाए। अब हो रही है। मैं बताता हूँ एंड में क्या होगा। एंड में होगा सब लोग मिलके ऑर्जी करेंगे भाई। गेम ऑफ थ्रोन्स यूं ही बदला। अनुपमा नहीं रह जाएगा भाई। हाँ। अब मेरे को जेलस हो रहा है भाई अनुपमा के शो को देखकर। इतना लोग लेट हो रहे हैं उसमें और फिर सर झुका के आ रहे हैं कि हाँ मैंने गलती कर दी, बहक गया था उस रात, ठीक है ज्यादा बिजली कड़क गई थी। बादल कह रहा मेरे को क्यों तोड़ा। पीजे देखो बिजली कड़कना का फिनोमेना इज रियल।